आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन है एसी सर्किट्स चोक इज प्रेफर्ड एज रेजिस्टर्स बिकॉज। देखिए हमें पता है चोक क्या होता है, चोक कॉइल बेसिकली एक इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर इसमें रेजिस्टेंस की तरह क्यों यूज़ की जाती है एसी सर्किट्स में, क्योंकि इसके थ्रू कोई भी मतलब ऐसे मान लेते हैं कि इसके ये जो वाइंडिंग्स बनी है इस वाइंडिंग का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस है वो सिर्फ इसमें लेंस लॉ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज की वजह से, ठीक है। तो एसी में क्या होता है, एसी सर्किट में क्योंकि वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर वो कैसा होता है, वो साइनोसॉइडल फॉर्म का होता है, मतलब वो कंटिन्यूसली वेरी करता है। इसका मतलब क्या है, जो करंट इसमें सर्किट में आएगा वो भी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा और अपना मैग्नीट्यूड वेरी करता रहेगा। तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है वो भी चेंज करता रहेगा। फ्लक्स चेंज करने की वजह से क्या होगा, हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, ठीक है, लेंज लॉ, और ये फाई बी है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये करंट की चेंज करने की वजह से फ्लक्स चेंज करता है इसमें, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा जनरेट, और इंड्यूस ईएमएफ होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों एंड से कनेक्टेड है तो इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट भी होगा, तो इसलिए इसको एसी करंट में प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ भी इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, जूल सीटिंग कुछ नहीं हो रही, जूल सीटिंग कुछ नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी लॉस जो भी होती है सर्किट में वो जूल सीटिंग की वजह से होती है, ठीक है। तो चोक कॉइल इज चीप, ये सही नहीं है इसका जवाब, ये भी हो सकता है लेकिन ये सही नहीं है। वोल्टेज इंक्रीजेस नहीं, वोल्टेज इंक्रीज नहीं करता है, एनर्जी इज नॉट वेस्टेड, एनर्जी इज नॉट वेस्टेड बिल्कुल सही है, और करंट इंक्रीजेस। अब यहाँ पे क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जैसे करंट बढ़ रहा था, तो करंट किसी एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है इनिशियली, लेट्स से इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है करंट, तो अब ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि फिर इस वाली साइकिल में करंट कम होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर उसके बाद साइकिल में चेंज हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, अभी सिर्फ इस डायरेक्शन वाले करंट की बात कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन का फ्लक्स इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा जनरेट, वो ऐसा होगा जिससे कि इसमें इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हो उससे इस डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट हो, फ्लक्स बढ़े, तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, और बस ये करना था हमें, एनर्जी इज नॉट वेस्टेड इज द राइट आंसर, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।